हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम्स किचन। सर्दी की सीजन की सबसे ताकतवर, गुणों से भरपूर हेल्दी पाक की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, जिसे आप कम सामान में फटाफट से बना लेंगे और 2 से 3 महीना स्टोर करके पूरी सर्दी में खा सकते हैं। बच्चे और बड़े सभी के लिए बहुत ही लाभदायी है, तो जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी ड्राई फ्रूट गोंद गुड़ पाक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप गोंद, ये 50 ग्राम जितना है, 1/4 कप अखरोट, 1/4 कप काजू, 1/4 कप बादाम और 1/4 कप मगजतरी सीड्स लिया है और सभी ड्राई फ्रूट्स मिला के 1 कप है और वजन में ये 130 ग्राम है। 1 कप गेहूं का आटा लिया है, ये भी 150 ग्राम है। 1/4 कप बारीक कटा हुआ गुड़ है, ये 175 ग्राम है। 1 कप देसी घी लिया है, ये 175 ग्राम जितना है। 1/2 कप सूखा नारियल का बुरादा लिया है, ये 50 ग्राम है। कढ़ाई में 4 टेबलस्पून घी डालेंगे, घी को गरम होने देंगे। घी गरम हो गया है, थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के इसे फ्राई करेंगे। तेज आंच पे ही गोंद को फ्राई करेंगे। इस तरह से लगातार चला के गोंद को फ्राई करेंगे तो अंदर से भी अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा। अच्छे से फूल गया है तो निकाल लेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा गोंद डाल के फ्राई कर लेंगे। गोंद अगर कच्चा रह जाएगा तो ये दांत में चिपकेगा, तो अच्छे से इसे फ्राई करना है। थोड़ी देर के लिए गैस ऑफ कर देंगे, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक इसे ठंडा होने देंगे। मिक्सर जार में ये ड्राई फ्रूट्स हमने लिया है, ये डाल देंगे। इसे पल्स बटन दबा के दरदरा ग्राइंड करेंगे। ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड कर दिया है और इस तरह का थोड़ा सा रफली पाउडर बनाया है, थाली में निकाल लेंगे। अब यही जार में गोंद हमने फ्राई किया है, ये डाल देंगे। इसे भी रफली क्रश करेंगे, आप चाहे तो इसे वाटी से भी क्रश कर सकते हैं। पल्स बटन दबा के ग्राइंड करेंगे, सिर्फ 3 बार पल्स बटन दबा के इसे रफली ग्राइंड किया है। गोंद हमने फ्राई किया था, उस घी को मैंने छान के लिया है, यही घी हम वापस कढ़ाई में डाल देंगे। इसमें से हम थोड़ा घी डालेंगे, 1/4 कप जितना घी मैंने बाकी बचा के रखा है, ये हम बाद में यूज करेंगे। घी मेल्ट हो गया है, गेहूं का आटा लिया है, ये डाल देंगे। धीमी आंच पे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये घी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। अच्छे से चला के मिक्स करेंगे और धीमी आंच पे लगातार चला के आटा को भुनेंगे। ये पूरा घी हम अंदर डाल देते हैं, इस तरह से लगातार चला के आटा को भुनेंगे। आटे को धीमी आंच पे भूनते हुए 5 मिनट हो गई है और आप देख सकते हैं इसमें से थोड़ा थोड़ा घी सेपरेट होने लगा है। आटे को भूनते हुए 8 से 9 मिनट हो गई है, ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो गया है और घी सेपरेट हो गया है। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रखा है, ये डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, ड्राई फ्रूट्स का पाउडर भी इसके साथ में भून जाएगा। नारियल का बुरादा भी डाल देंगे। मिश्रण ड्राई लग रहा है तो 1 टेबलस्पून घी और डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे धीमी आंच पे ही भूनेंगे। 1 से 2 मिनट इसे धीमी आंच पे भून लिया है और ड्राई फ्रूट्स और नारियल का कलर भी लाइट ब्राउन हो गया है। गोंद हमने फ्राई किया है, ये डाल देंगे। गैस ऑफ करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। कढ़ाई को गैस पे से नीचे उतार लेंगे। 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून सौंठ पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 2 पिंच जितना जायफल पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे 3 से 4 मिनट थोड़ा ठंडा करेंगे। बारीक कटा हुआ गुड़ डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से स्पैचुला से दबा के इसे मिक्स करेंगे। मिश्रण थोड़ा गर्म है तो गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाएगा। गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है। ट्रे को मैंने अच्छे से घी से ग्रीस कर दिया है, आप इसे थाली में भी सेट कर सकते हैं। ये अंदर डाल देंगे, इस तरह से स्पैचुला से दबा के सेट करेंगे। बाटी के ऊपर थोड़ा घी लगाया है,
इस तरह से अच्छे से इसे सेट करेंगे। ऊपर थोड़ी सी खसखस डालेंगे, पॉपी सीड्स। आप इसके ऊपर बादाम पिस्ता की स्लाइस भी डाल सकते हैं। स्पैचुला से इसे थोड़ा दबा देंगे, 10 मिनट इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे, बाद में इसके ऊपर कट लगाएंगे। इसके ऊपर अभी कट लगा देंगे। ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब तक इसे ठंडा करेंगे, फिर इसका पीस अलग करेंगे। एक घंटे के लिए इसे सेट किया है और ये अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसका हम पीस अलग करेंगे। बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। बहुत ही ज्यादा हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और मुंह में घुल जाए ऐसा ड्राई फ्रूट्स गोंद गुड़पाक बन के रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।